हेलो फ्रेंड, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उन नए सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मुझ पर फेथ रखा। सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ जैसे ही कोई नया सब्सक्राइबर आता है। मुझे लगने लग जाता है कि हाँ, एक जने का तुझ में और विश्वास बढ़ा है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोज़ देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि आप मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है कि सक्सेसफुल लोग जो हैबिट अपने आप में डालते हैं, क्या वो आप और हम भी डाल सकते हैं? क्या वो बहुत एक्सपेंसिव हैबिट्स होती हैं? क्या वो ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हम लोग अपने में नहीं डाल सकते? यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि उनकी हैबिट्स बहुत ही सिंपल होती हैं, आप इजीली उनको खुद में अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो करते क्या है। यहाँ पर वो 10 हैबिट्स मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। वो हैबिट्स आप डेफिनेटली अपने में डाल सकते हैं। कुछ हैबिट्स मैंने खुद में भी डाल ली हैं और आगे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश भी करती हूँ। फर्स्ट हैबिट है गेट अप अर्ली। देखिए, सुबह जल्दी उठना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट अच्छी बात यह है कि मैंने सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया। सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट रहती है सुबह जल्दी उठने की, वो इस चीज़ में नहीं रहती है कि हम जल्दी उठ पाए, जल्दी उठने के बाद में जो चीज़ें हम करते हैं, मतलब कि पूरा घर सो रहा होता है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, घर के काम अभी स्टार्ट नहीं हुए होते, ना आपको ऑफिस जाना है ना कोई और वर्क करना है। वो जो टाइम जब आप खुद के लिए देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो ये टाइम खुद को जरूर देते हैं। अब चाहे हम उसमें कुछ भी करें, चाहे आप योगा कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जर्नल लिख रहे हैं, कुछ भी करें, लेकिन जो भी करेंगे वो बिल्कुल आपकी पसंद का होगा। ये नेक्स्ट हैबिट जो है बुक रीडिंग की, ये मुझ में नहीं थी। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, बुक रीडिंग की मुझ में बिल्कुल हैबिट नहीं थी, लेकिन जब सक्सेसफुल लोगों के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा करती थी तो मैं देखती थी कि इन्होंने ये हैबिट अपने आप में डाल ली है। चाहे वो उनको पसंद हो चाहे नहीं हो, लेकिन उनको पता था कि अगर हम बुक रीड करेंगे तो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। आप खुद देख लीजिए, जब कभी भी हम ज़्यादा लोगों के साथ मिलते हैं हमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है, हम एक ग्रुप के साथ बैठ जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी नई बातें होती हैं जो हमें पता चलती हैं। लेकिन आजकल जब न्यूक्लियर फैमिली है, हमारा कहीं पे भी बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, तो बुक जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छे फ्रेंड का काम करेगी। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों के बारे में कहा गया है कि वो दूसरे सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, कोई मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बुक पढ़ते हैं। सुनने में अजीब लगेगा कि हम 15 मिनट आधा घंटा बैठ भी जाएं, बिल्कुल अकेले कुछ भी करने को नहीं है तो करेंगे क्या? बिल्कुल सही, मुझे भी मुश्किल होती थी। आप थोड़ी सी देर जब बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाते, कुछ नहीं है करने को, बस आप बैठ जाइए, तब आप धीरे 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 खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। आपका जो फोकस है वो बढ़ जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिए। आपको चाहे अपना कोई गोल अचीव करना हो, चाहे लाइफ में सक्सेसफुल बनना हो, आप सिर्फ 15 से 20 मिनट खुद को दीजिए, बिल्कुल फोकस होकर सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। फ्रेंड्स, आपने कभी जज करा है कि आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि आप किससे मिलके खुश होते हैं, किससे मिलके आप थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं, या किसके साथ में आपको एज ए कंपनी बहुत मजा आता है? इस तरीके से जज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनके साथ बैठकर आपको अच्छा लगता है, वो आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सक्सेसफुल लोग ये चीज़ जरूर करते हैं कि वो जिनसे इंस्पायर होते हैं उनके साथ टाइम बिताने के लिए वो पागल रहते हैं। वो चाहे कितने भी बिजी रहें, लेकिन वो जिनसे इंस्पायर हैं उनके साथ अगर उन्हें थोड़ा सा भी समय मिल जाए बिताने के लिए, तो वो उस मौके को चूकते रहेंगे। एक चीज़ जो इनमें खास होती है वो ये कि ये अपने गोल्स खुद बनाते हैं, मतलब कि इनको कोई प्रेशराइज नहीं करता कि तुम ये करो वो करो, वो खुद अपने गोल्स बनाते हैं। बहुत बड़े बड़े ना सही, लेकिन छोटे छोटे गोल्स से आप शुरुआत कर सकते हैं, वो चाहे फिटनेस से रिलेटेड हो, चाहे खाने पीने से, या अपने जॉब पर कुछ अचीव करने से रिलेटेड हो। आप अपने गोल्स खुद बनाइए, कभी भी वेट मत कीजिए कि आपके बॉस आपके लिए गोल बनाएंगे या आपका फिटनेस ट्रेनर आपके लिए गोल बनाएगा। आप खुद के गोल खुद बनाइए और उसको ब्रेक कीजिए। आप एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानते होंगे, वो 10 घंटे डेली सोते थे, उससे कम में उनको मजा ही नहीं आता था। वो जब तक 10 घंटे की नींद नहीं लेते थे, उनके शरीर की या उनके दिमाग की थकान नहीं मिटती थी। और ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेते हैं। आप भी काम कीजिए कि आप अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं और उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अच्छे तरीके से नींद लेने।
नेक्स्ट हैबिट जो सक्सेसफुल लोग अपने में डाल के रखते हैं वो ये कि वो अपनी फिजिकल बॉडी पे बहुत काम करते हैं, वो चाहे योगा एक्सरसाइज कुछ भी करें, उनको पता है कि इसी फिजिकल बॉडी की वजह से ही वो अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। वो जितना ज़्यादा इसको फिट रखेंगे ये उतना ही अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज, ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि यही बॉडी जो है यही आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। और अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो एक बार बीमार होते ही आप तो स्टेप पीछे हो गए। फ्रेंड्स, सक्सेसफुल लोग आप किन को बोलेंगे? ऑब्वियसली वो जो लाइफ में तो सक्सेसफुल हैं, प्लस उनके पास पैसों की भी कमी नहीं है। अब पैसों की कमी क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमेशा एक इनकम पे नहीं रहते हैं, वो मल्टीपल इनकम के ट्राई करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि मैं तो एक जॉब करता हूँ, मैं मल्टीपल इनकम कैसे कर सकता हूँ? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे हम मनी को इन्वेस्ट करके या मनी को मल्टीप्लाई करके हम मल्टीपल इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर एक स्कूल टीचर सुबह स्कूल में पढ़ा रही है और शाम को ट्यूशन ले रही है, तो स्कूल और ट्यूशन उसकी डबल इनकम हो गई। और वहीं पे वो अपने पैसे अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है तो ये उसकी थर्ड इनकम हो गई। इसी तरीके से आप दिमाग लगाइए कि आपके जॉब के साथ में आप मल्टीपल इनकम सोर्सेस कौन से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सक्सेसफुल लोग अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होने देते। उनको पता है कि एक एक पल उनके लिए कितना कीमती है, हर एक पल को वो अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट हैबिट जो उनकी रहती है वो ये कि वो हमेशा अपने साथ एक बुक कैरी करके रखते हैं। जैसे उन्हें 5 मिनट मिले वो बुक का एक आर्टिकल पढ़ लेते हैं। हमेशा वो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, फिर वो चाहे बुक हो चाहे मैगजीन हो। अगर आपको बुक पढ़ने का शौक नहीं है तो आप बुक की समरीज यूट्यूब पे सुन सकते हैं। आजकल पॉडकास्ट आ रहे हैं, आप उनको सुन सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अपना एक भी पल वेस्ट ना जाने दें और उस पल में आप कुछ ऐसा सीखें, ऐसा पढ़ें जो आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे कि आप सक्सेसफुल होने के लिए अपने आप में कौन सी हैबिट को डालना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बाय।